एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी के देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये आया टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बना ये साइन इनवर्स एक्स, और वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बना सेट इनवर्स, तो जितने हमने किए थे उनमें तीन और कॉमन एलिमेंट, ये टेन इनवर्स है इसका, ये अगर इस तरह का फॉर्म है तो साइन इनवर्स है, ये है तो सेकंड इनवर्स है। आप देखिए आप अगर इस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है जैसे ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल मान, लेकिन हम इसको फिर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं क्या हुआ? Yes, sir. मैंने माइनस वन प्लस टू कर दिया, अब तो डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट भी हमसे इंटीग्रेट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, पहला एक्स क्यूब है जी माइनस एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, वंस अगेन जो मैं पिछली क्लास में कह रहा था वो फिर रिपीट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली यही होना चाहिए तब आप फॉर्मूला छाप सकते, थोड़ा भी चेंज है तो आपको कुछ और जुगाड़ करनी पड़ेगी, तो एग्जैक्टली ये वही बना, टू कॉमन लिया और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसके भी फॉर्मूले पता है तो हम आंसर ले सकते हैं। ठीक, तो रिड्यूस करने के लिए एक तो जुगाड़ ये है कि प्लस माइनस करो और इंटायरली ये डिवाइड कर दीजिए, क्या मैं प्लस माइनस किया या डिवाइड कर दिया तो ये आसान सवाल है, या जुगाड़ है कि रैशनलाइज करो अंडर रूट करा लें, जैसे ध्यान दीजिएगा मान लीजिए थोड़ा भी चेंज हो जाए, ये देखा ये चेंज हो गया, भले ही आपकी इच्छा हो कि ये टेन इनवर्स टू एक्स वगैरह कुछ है लेकिन नहीं, ये उस तरह के फॉर्म में तो नहीं, समझ पा रहे? सिमिलरली वन अपॉन अंडर रूट नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपने क्या किया नाइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय नाइन डी एक्स, ये लिखिए लिख सकते हैं, तो ये समझ में तो आ रहा है कि ये इस तरह जैसा है लेकिन एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, ये समझ में ये भी समझ में आ रहा है कि ये काफी हद तक ये इस जैसा है, तो टेन इनवर्स एक्स होगा आंसर, लेकिन वो तो होता जब ये एग्जैक्टली ऐसा होता, ये भी कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, सिमिलरली 1 upon 2x plus 3, ये देखने से लग रहा है कि ये 1 upon x टाइप का है लेकिन इसका आंसर होता है log x, लेकिन इसका आंसर log of this नहीं कर सकते क्योंकि जो रूल हमने बनाया है सीधे बिल्कुल ये फॉर्मूला होना चाहिए, तो मुद्दा ये है इसका करें क्या इन तीनों का, ठीक है, तो इस सब के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक सब्स्टिट्यूशन है।
मतलब आपको लग रहा है कि किस फॉर्म का होना चाहिए, उस फॉर्म का बना दो। अच्छे समझिएगा, जैसे 1/1 + 4x² dx, ये tan इनवर्स का बन जाता। अच्छे समझिएगा, ये ऐसा लिखा, ये बिल्कुल इस तरह का बन जाता अगर मैं 2x को नया t ले लेता। अब तो ये 1 + c² ही बनेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ठीक है आपने सब्स्टिट्यूट किया 1/1 + t², लेकिन यहां तो dx बैठा है। यस सर, हमारे फॉर्मूले में अगर ये t स्क्वायर है तो dt होना चाहिए। tan inverse t, और t कितना है 2x, ये समझ में आया? Half of tan inverse t और t की वैल्यू 2x। शायद ये तरीका समझ आ रहा होगा मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था, एग्जाम्पल 2, 1/2x + 3 dx, बिल्कुल काम चल सकता था अगर मैं 2x plus 3 को t ले लूं, लेकिन ये सॉल्व करने पे 1/t और ये dx है, ये समझ आया? आप इसको log t नहीं लिख सकते, log t लिख सकते थे अगर ऊपर भी dt हो, ये log t है। ठीक, तो हमें dx भी छापना पड़ेगा, तो क्या बन गया ये 2 dx = dt, dx = dt by 2। अब तो इसको 1/2 dt by t लिख सकते हैं, इसको तो log 2 लिख सकते हैं, log t, और log t की वैल्यू अब 2x + 3। पक्का समझ में आ रहा है? Yes sir। तो फाइनली हमारा फोटो बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए जैसा फॉर्मूला है कि dt by t का आंसर log t होता है। ठीक, ये लग रहा है log जैसा, लेकिन आंसर log of this, लेकिन log of this आंसर नहीं, एक 2 का अंतर आया है। एग्जांपल 3, sin of 3x + 4 dx, बिल्कुल हो जाता अगर ये क्या 3x plus 4 को t छाप देते, तो 3 dx = dt, आया समझ में? Yes, तो sin t dt by 3, पक्का समझ आया? Yes, और 1/3 sin t का minus cos t plus c minus cos of 3x plus 4 by 3 plus c। तीनों ही क्वेश्चंस में शायद ये आप लोगों ने बात हो सकता है नोट कर ली हो कि इनका आंसर डायरेक्ट समझ में आ रहा है, मतलब ये डेरिवेटिव के चेन रूल की तरह है। डेरिवेटिव में जैसे समझ, ये साइन 3x plus 4 को डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा, cos 3x plus 4 into और इंटीग्रेट करने में वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे 1/1 + 2x², तो अगर यहां t स्क्वायर होता तो tan इनवर्स t, और इसका डेरिवेटिव कितना है 2, उससे डिवाइड कर दिया, ये बना sin t, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, लेकिन इसका डेरिवेटिव कितना है 2, डिवाइड कर दिया। समझे? लेकिन इससे गलत फहमी मत पाल लेना, ये मैं अभी से समझा रहा हूं कि ये
क्या होता है सबसे खतरनाक चीज तो ये, मान लो अगर ऐसा होता तो मैं इसका आंसर ये टी हो गया, ये क्या है टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी और डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है, हमारा तो इसका आंसर टेन इनवर्स एक्स है, और ये तो किसी भी हालत में बराबर नहीं कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, बताओ गलती कहां है, इससे हाँ इसको अच्छे समझिए, गलती ये है कि ये 2x वेरिएबल है और ये बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि हम पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि पुट करने में प्रॉब्लम है, समझिए ना, जैसे मैं इसमें पुट करता एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी, टू एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकता हूं, तो यहां डी एक्स को डी टी अपॉन टू एक्स ये बना टी, और अगर ये 2x बाहर निकल आता तो वाकई में आंसर log t बन जाता, ये फिर आया मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन हमें पता है कि ये हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, कि हम वेरिएबल बाहर निकाल दिए, इसका हम तो ऐसा कब कब कर सकते हैं, ऐसा कब कब कर सकते हैं, जब जब डेरिवेटिव कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव कब कब कांस्टेंट आएगा, फंक्शन लीनियर हो, लाया? Yes, sir. अगर फंक्शन लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा और वाकई में बाहर निकल आएगा, तो जो चेन रूल लग रहा है अपेरेंटली ट्रू, वो वाकई में ट्रू है, लाया? Yes, sir. लेकिन अगर लीनियर नहीं है फंक्शन तो डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो बाहर नहीं आएगा, तो बाहर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर स्टेप बिल्कुल सही है, ये स्टेप सही है, ये स्टेप गलत है, सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत नहीं, तो करने से हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, करने से किसने मना किया, कुछ भी ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये बाहर नहीं निकाल सकते, और बाहर नहीं निकाल सकते तो जुगाड़ काम नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता चला कि जुगाड़ एक है जो लीनियर में तो कम से कम काम करती है, यही तो वजह थी कि हम इसके इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहे थे, जी ये क्या है लीनियर फंक्शन, और लीनियर है तो डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका सीधे टी मान लो इनटू द पावर टी का इंटीग्रेशन इनटू द पावर टी, और बात नीचे आ गई, ये समझ में आया, आपकी मर्जी, आप ये भी कर सकते थे कि 4dx इक्वल टू dt और ये साफ छापते इनटू द पावर टी dt बाय 4, तो 1 अपॉन 4 इनटू द पावर टी, ठीक है, लेकिन इतना तो हम दिमाग में कर ही सकते हैं, आगे समझ में, तो बड़ी अच्छी चीज पता चली, और कि लीनियर वाले तो मिटा देंगे, तो मैं क्या कह रहा हूं इसमें ध्यान दीजिएगा कि साइन ऑफ 3x प्लस 4 dx लीनियर है तो इसका आंसर हम सीधे लिख पा रहे हैं, थ्री वन अपॉन वन प्लस 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx टेन इनवर्स 5x minus 2 by 5 plus c. समझ में आया? Yes, sir. 1 upon under root 1 minus x square by 4. 1 upon 1 minus x by 2 का whole square. Sin inverse x by 2 into 2. Actually upon 1 by 2. यहाँ पर सब समझ आया? Yes, sir. लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? कि अब अगर आप इसी को एक्सटेंड करो और आप साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो इसकी मदद से कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2x लिखो और काट लिखो ठीक सो दैट याद रहे कि ऐसा नहीं कर सकते ठीक मतलब ऐसा कर पाए क्योंकि फंक्शंस लीनियर है इसीलिए हम ऐसा कर पाए लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि फंक्शन लीनियर नहीं है डेरिवेटिव कॉमन आएगा गड़बड़ होता है ठीक तो ये भी लिख लो कि ये भी गलत है इवन ये भी गलत है साइन एक्स पर फाइव ये साइन एक्स पर सिक्स
बाय सिक्स, अगर ऐसा होता तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता। कि अगर हम ये चेन रूल लगा दें कि साइन एक्स को टी मान लें, टी पर फाइव का इंटीग्रेशन, टी पर सिक्स बाय सिक्स और डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें। अगर समझ में चल रहा है, क्योंकि यहां जब हम करते तो साइन एक्स को टी देते तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आता आता, और ये सॉल्व करने पर बनता टी टू दी पावर फाइव इंटू डी एक्स। फिलहाल आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, डी टी बाय कॉस एक्स। बिल्कुल अगर आप ये कॉस एक्स बाहर निकाल पाते तो बिल्कुल वही आंसर आ गया था जो आंसर लिखा है। समझ गए? लेकिन यहां दिस इज स्टेप इज रॉन्ग, कॉस एक्स बाहर नहीं निकाला जा सकता। पक्का समझ गए? ठीक है, समझिए रखिए नहीं कि कहां गलती हो रही है। ऐसा आगे समझ में क्या कह रहा हूं? मैं पर्सनली इसमें ये पसंद करता हूं इसमें करना कि जैसे ये था इसका स्टेप ये लिख देता हूं। ये समझ गया ना? Yes, sir. हम वही करेंगे, लेकिन हमें यहां समझ में आ रहा है कि हमने इसको टी चापा था और 5x माइनस 2 अगर टी है तो 5 dx dt है, ये dt by 5 हो गया। एक स्टेप ज्यादा है लेकिन हमें गलती कुछ नहीं हो रही है उनसे, और ऐसा लिखेंगे तो अपने आप यहां गलती समझ में आ जाएगी कि अगर आप इसको टी लिखना चाहते हैं तो साइन टी तो लेकिन 2x dx dt होगा, dt by 2x, तो फायदा नहीं हुआ इस 2x का, क्या करेंगे? आगे समझ लीजिए, तो आपने t बना दिया, अब x को तो अब अगर आप x स्क्वायर को t लेंगे तो x क्या है? रूट टी। फिर कौन सा आंसर हो जाएगा? साइन टी अपॉन रूट टी। अभी सॉल्व नहीं हो रहा, पहले भी नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ तो अब देखिए, अब हम करें ये बनने लग जाएंगे। फिलहाल दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह और कट भी ले रहा है, पिछली क्लास में तो बन जाता। ठीक है, अब नहीं कट रहे क्योंकि हमें इसका आंसर पता है, लेकिन हमें इतने पार्ट का आंसर पता है, ये log of 2x plus 1 into 1 by 2 है, लेकिन ये ऊपर x आ गया इसका आंसर तो नहीं पता, वो x हम जाता तो मजा आ जाता, तो मजा नहीं दो इसका। अब तो हटेगा, अब कैसे हटेगा? अब क्या करूं बताओ? प्लस वन, ये समझ आया? पहले मैंने वन अपॉन टू किया सो दैट ये 2x प्लस 2 हो जाए, अब प्लस 1 अलग करो प्लस 1 अलग करो, अब तो ये कट जाएगा। और जरा सोचिए अब जो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये तो हम दोनों ही जानते हैं, इसका आंसर 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन log of 2x प्लस 1 by 2 प्लस c, ब्रैकेट ध्यान रखिए 1 by 2 पूरे में बाहर। Thank you.
क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल देखिए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस थ्री सी है, टू एक्स माइनस थ्री, नीचे इस बार होल स्क्वायर नीचे देता हूं। अब ये हमें समझ आ रहा है कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक अंदाज सा लिखा होगा, ठीक है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। पहला अप्रोच देखिए, अप्रोच वन, क्योंकि हम वन अपॉन दिस का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, तो ये लीनियर वन, तो t बाय 2, t बाय माइनस 2, तो माइनस 1 बाय माइनस 1 कर सकते हैं। अब अगर बचा ये वाला x, तो इस x को हटा दो तो काम हो जाएगा, लेकिन x कब हटेगा जब ये 2x होगा, तो फिर से 1 बाय 2, 2x प्लस 2, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 2x अकेला तो नहीं हटेगा, लेकिन माइनस 3 प्लस 5, ये समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? अब ये हट जाए, ठीक है, तो ये बना 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। पक्का समझ में आया? अब हमें देखना है ये 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन log टाइप का आंसर है, log ऑफ 2x माइनस 3, लेकिन डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, और ये प्लस 2x माइनस 3 पे माइनस 1 बाय माइनस 1, लेकिन एक 2 से डिवाइड करेंगे। ये आया समझ में क्या बोला? ये 2x माइनस 3 पे पावर माइनस 2 मान लो, इसको इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 5 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 पे माइनस 1 बाय माइनस 1, एक ज्यादा अपन उससे डिवाइड कर दिए, लेकिन ये तो कम होता जब यहां x होता, लेकिन इसका डेरिवेटिव 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए। अभी नहीं आया समझ में? ठीक है, इस पर माइनस 3 था, तो इस पर माइनस 1 बाय माइनस 1, लीनियर एंड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, चेंज हो t बाय माइनस 2, t बाय माइनस 1 बाय माइनस 1, डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिए। ये भी 1 अपॉन t log t डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिए। ये समझ गए ना? दिमाग में बोलिए, दिमाग में बोलिए, 1 अपॉन t और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, लेकिन डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। 1 अपॉन t स्क्वायर मतलब t पे माइनस 2, तो t पे माइनस 1 बाय माइनस 1, डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। समझे? ये तो पहला अप्रोच था। पर्सनली यही अप्रोच पसंद करता हूं, लेकिन शायद आप दूसरे वाले अप्रोच पसंद करेंगे। ठीक है, पक्का समझ में आ गया क्या थे? दूसरी अप्रोच ये है कि क्यों ना ये सबसे ही खत्म कर देगा, इसको मैं टी यही छाप दूं। अच्छे समझेगा ये अप्रोच, बस एक बार पुट करने की दिक्कत है, बाकी सब बिल्कुल आसान है। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी है, t प्लस 3 बाय 2, ये है, तो न्यूमरेटर x प्लस 1 है, तो t प्लस 3 बाय 2 प्लस 1 बाय t स्क्वायर और dt बाय 2, ये लिखा है, इसको सिंपलीफाई करो, t प्लस 5 बाय t स्क्वायर dt 1 बाय 4, लिख सकते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया, 1 बाय 4, 1 अपॉन t प्लस 5t बाय माइनस 2, आगे समझ में? तो आंसर क्या है, 1 अपॉन 4 log t प्लस 5 बाय 4 माइनस 1 अपॉन t, आगे समझ में? तो ठीक ही रहेगा। आगे समझ में? मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए, लीनियर को t रखने में कोई संकोच ना करें, समझिएगा,
लीनियर को टी रखने में आप किसी तरह का संकोच मत करिए, हेजिटेट मत करिए बिल्कुल, क्योंकि उसका टी रखने पे जो डीटी बनेगा उसमें कांस्टेंट भी तो आएगा, वो तो हम कभी बाहर निकाल देंगे। दिक्कत कहां है कि आप किसी और को टी रखते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर को टी रखा, ठीक है ये मान लो थोड़ा गंदा कर देगा, ये होता एक्स, आपने एक्स स्क्वायर को टी रखा तो 2x dx dt बनता, तो dx में dt upon 2x आता, तो एक 2x बाहर तो भी नहीं निकलता, समझ रहा है? तो आपको x को t के टर्म में छापना पड़ेगा और ये कितना है √t, ठीक है समझ? x बाहर नहीं निकलेगा तो x को t के टर्म में छापोगे तो ये क्या बनेगा, x को t के टर्म में छापते तो क्या बनता √t plus 1 1 plus t, और dx क्या है dt by 2 root t, पहले आसानी लग रहा था क्वेश्चन, पहले थोड़ा इजी लग रहा था देखने से, अब तो हम तैयार हो गए, समझ गए? तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर दो काम बन जाएगा, लेकिन अगर लीनियर को t रखते हो तो क्वेश्चन बने ना बने बिगड़ेगा, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन भले आपसे बने ना, लेकिन ये तय है कि वो बिगड़ेगा नहीं, कितना आप गंदा नहीं हो जाएगा, और ये गंदा किस वजह से हुई, इसलिए ज्यादा गड़बड़ करती है, ठीक है? मान लीजिए इसमें हम थोड़ा और ध्यान लगाए, हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वन पूरे को टी छाप देते, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़े हम खुश हो गए, ये मजा आ गया, लेकिन जरा इसकी वैल्यू रखो, समझिए तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट टी माइनस वन, लेकिन काम सिर्फ यही नहीं हुआ क्योंकि अभी हम डी एक्स की वैल्यू भी छापने वाले हैं 2x और x है t माइनस वन, प्लस वन, और ये कितना होगा डी टी अपॉन टू टी माइनस वन, बिगड़ गया क्वेश्चन, समझे? लेकिन लीनियर फट करने में क्वेश्चन बिगड़ेगा नहीं, तो आप रिस्क फ्री है लीनियर को टी छापिए, ठीक पक्का आगे समझ में क्या कह रहा हूं? यस सर। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आगे समझ में क्या कह रहा हूं? इस क्वेश्चन में कौन सा टी है ना, एक मिनट, 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टी स्क्वायर से डिवाइड करना आसान है, तो अगर इसको सिंगल टर्म लिखा होता तो डिवाइड करना आसान है, सब में ट्रांसफर कर देते, एग्जैक्टली हमने वही किया, इसको टी छापा ये आसान बन गया, तो ले लो तो छोटे छोटे क्वेश्चन। इंटीग्रेशन टी, टी और टी कितना है
ये टी माइनस लॉग टी बना आया तो फाइनल आंसर जरा हम देखें रुको तो 1/9 टी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1 माइनस लॉग 3x प्लस 1 प्लस और ये आंसर कितना है x by 3 माइनस log ये समझ में log 3x plus 1 by 9 plus c आंसर तो थोड़ा सा क्योंकि इसको जब हम बात करें तो इसका x by 3 अलग कर लो plus 1 by 9 अलग कर लो माइनस 1 by 9 log 3x plus 1 ये लिखा है और इसका 1 by 9 c में चला गया होगा ये ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ ये जरा देखिए दोनों में एक कांस्टेंट की एरर है इसमें 1 by 9 आया है इसमें 1 by 9 नहीं आया तो ऐसा कई बार होगा तो कांस्टेंट उधर चले जाएंगे सी जैसे सॉल्व करने पे हो सकता है देखिएगा हो सकता है आपका आंसर आया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी ये आंसर है यही आंसर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी भी ये समझ में आया ये आंसर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी लिख सकते और सी क्या है बता रही और बता रही है एक जोड़ दिया तो क्या बना अननोन द समथिंग इज ऑलवेज अननोन ठीक है तो न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट सी के अंदर कंबाइन हो सकते हैं जैसे हो सकता है सॉल्व करने पे आपका आंसर ये है हो सकता है किसी बच्चे का आंसर ये है ये दोनों सही है यार समझ में 2x plus 1 इसमें चला गया क्लियर अलग अलग तरीके से करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टेंट की रखा और वो एरर नहीं है वो आपकी कॉन्स्टेंट की वैल्यू बदल गई समझ गए हाँ तो यही तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि आंसर डेफिनेट नहीं है आपका आंसर जो भी आया है उसमें कुछ भी कॉन्स्टेंट जोड़ दो होगी आंसर Next question.
बोल देते हैं, मार मारे मारो बहुत महंगे इंसान तो हम इसको खोल दें आठ टमाटे आठ में एक्समन डिप्लाई करो अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना कंफर्म कोई दिक्कत तो नहीं लेकिन बहुत बहुत जब पावर 70 की होती ये हमारा तरीका अभी भी होल्ड करेगा क्योंकि 2dx इज इक्वल टू dt तो x की वैल्यू t माइनस 1 बाय 2 और ये बना t बाय 7 ये dt बाय 2 तो 1 अपॉन 4 t टू दी पावर 8 माइनस t समझ गए देखो 1 अपॉन 4 t बाय 9 बाय 9 2x प्लस 1 पे 9 बाय 9 2x प्लस 1 पे 8 बाय 8 प्लस तो इसमें एक बात समझ आ रही है मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन ये पूछा होगा ये होगा खोलने जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे क्या हम खोल लेंगे लेकिन हम नहीं रख सकते बस बार दोनों ऑप्शन है कौन सा चुन लिया इसको टी कर लीजिए सोच लो क्यों सोच लो पता चल जाएगा अपने आप समझ आ जाएगा क्या क्योंकि अगर आपने इसको टी रखा जैसे इसको टी रखा तो ये टी पे नाइन चला गया और ये जी एक्स प्लस वन अगर आपका टी है तो एक्स की वैल्यू टी माइनस वन बाय थ्री टी माइनस वन बाय थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर डी टी बाय थ्री सिर्फ होल स्क्वायर ही ओपन करना है लेकिन अगर हमने इसको टी छापा होता अगला क्वेश्चन था क्या तो मजबूरी है कि इसको टी रखना क्योंकि सॉल्व भी नहीं कर सकते हाँ हालांकि इसमें जुगाड़ ये है ये समझ रहे हैं तो x प्लस टू पे माइनस थ्री माइनस टू x प्लस टू पे माइनस बट इसका आंसर x प्लस टू पे माइनस टू बाय माइनस टू माइनस टू x प्लस टू पे माइनस थ्री बाय माइनस डेरिवेटिव हमारे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम माइनस करेंगे तो dx इक्वल टू dt तो t माइनस टू अपॉन t बाय फोर तो t पे माइनस थ्री माइनस टू t पे माइनस t पे माइनस टू बाय माइनस टू माइनस टू t पे माइनस थ्री बाय माइनस वही आंसर आ गया वो आप और t की वैल्यू है हाँ चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लगा क्योंकि इसमें क्लिक करना मुश्किल था कि वो क्या है लेकिन लेकिन मान लो क्लिक हमने नहीं किया कि वो क्या जुगाड़ लिखी वैसे पहले मैं जुगाड़ ही बता दूं ये होल स्क्वायर जैसा लिखा लेकिन बस एक वन एक्स्ट्रा था लिख सकते हैं तो डी एक्स बाय थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन ये तो टेन इनवर्स जैसा लग रहा है सर और वो ये टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री या तो ये क्लिक कर जाना ठीक मानो क्लिक नहीं भी किया तो इसमें समझ में आ रहा है कि मैं 3x को t रख के देखता हूं फिर सोचूंगा समझिएगा या तो ये या मैं इसी में 3x को t रखूं ऐसा इसीलिए कम से कम ये तो आसान बन जाएगा सिर्फ देखेंगे क्या कर सकते हैं तो यहां से dx क्या है dt by 3 ये क्या बना t square plus 2t plus 2
अब तो क्लिक कर गया, टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन है, मतलब अब भी क्लिक नहीं किया तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ये टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन है, तो वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स टी प्लस वन, लेकिन टी कितना था थ्री एक्स, ये हमारा आंसर है। मान लो अभी क्लिक नहीं कर रहा है तो वंस अगेन पुट टी प्लस वन इक्वल टू वन है, तो वन अपॉन थ्री डी टी क्या है डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, समझ आया। तो आंसर हाँ इसमें लेकिन समझिएगा, इसका आंसर आया टेन इनवर्स वाई, लेकिन वाई कितना था टी प्लस वन, और टी कितना था थ्री एक्स, क्वेश्चन बहुत सारे लिखे चले गए अभी भी चल रहे हो। अब देखिए ये सभी दो डिस्कशन थे जहां सब्स्टिट्यूट करने पर जनरली सीधे दिख जा रहा था क्या बनता है, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जरूरी नहीं पहले ही सब्स्टिट्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो अगला एग्जांपल देखिएगा, कई बार ऐसा क्लिक नहीं करता, जैसे ये देखते तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये हमसे होने वाला है, न्यूमेरिकल में होता तो ये हमसे हो जाता, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, फिलहाल तो ये हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ ये समझ आया, मान लो चलो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाए भी हमने, एफर्ट क्या लगाया वो जरा देखिएगा, ये समझ आया मैंने क्या किया, x माइनस x कर दिया, तो वन प्लस एक्स कट गया वन अपॉन रूट एक्स, ये तो हम कर ही लेंगे माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो इसका क्या करेंगे, समझ गया प्रॉब्लम तो भी कि ये बन गया, समझ गया ना, तो ठीक है, लेकिन कोशिश अच्छी थी हमारी, हमने प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया कि ये वन प्लस एक्स कर सकता है, लेकिन फायदा ज्यादा हुआ नहीं इससे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, समझ गए, अब हमने क्या किया, अगर मैं वन प्लस एक्स को टी रखता, समझिएगा सोच कैसे रहे, मान लो मैंने वन प्लस एक्स को टी छाप दिया तो डी एक्स तो बड़ा अच्छा आ गया डी टी, तो ये तो अच्छा लग रहा है कि ये डी टी है ये टी है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, तो पहले भी नहीं हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, ठीक है, कोशिश किए लेना, तो मजा नहीं आया, समझ में गड़बड़ कहाँ हो गई कि ये अंडर रूट हट जाता तो फिर भी हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाते, ठीक है, सबसे इसी वजह से कि अंडर रूट ये नहीं होता, अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो हमसे ये हो जाता प्लस एक्स माइनस एक्स बहुत मदद करने वाला है, सोचो अब ये निपटा देता उसको, मतलब समस्या क्या है रूट, तो प्रॉब्लम इज इटसेल्फ अ सॉल्यूशन, समस्या ही समाधान है, रूट एक्स इक्वल टू टी, पहले अंडर रूट हटाते हैं फिर सोचेंगे क्या करना है, ठीक है, इसका मतलब रूट एक्स टी है तो वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो डी एक्स की वैल्यू ये लिखा, और देखो ये एंटर स्मार्ट लगने वाला है, डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी इंटू टू रूट एक्स, ये क्या है रूट एक्स, एक्स क्या है जरूरत पड़ी नहीं,
कि ये कट गया और ये मैंने कहा था बेटर स्मार्ट लग रहा है, ये क्या है? 2 + 10 + 3 + 6 आया समझ में? और इसका इंटीग्रेशन आ गया 2 √3 + √6 दोनों समझ में आई? मैं जरूर परेशान कर रहा हूँ, और उसी को टीच आती है फिर देखेंगे कम से कम अंडर रूट तो हटे, और जी आप अंडर रूट हटाई और खुद तो हट ही गया, इसको भी हटा दिया, ठीक है? वैल्यू क्या थी? 1 - t² का अंडर रूट।
और x को 1 माइनस t स्क्वायर का अंडर रूट लिखा और x माइनस 1 को x माइनस 1 माइनस t स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 पहले ज्यादा अच्छा किसको किसको तो हम वापस से इसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं जैसे कि ये शादी हो गई यही वजह है हाँ ये समझ में आया तो इससे ये पता चला कि हमेशा अंडर रूट के अंदर को तीस पर रखना समझदारी नहीं बिल्कुल समझदारी है अगर दूसरा ना हो गड़बड़ी कहाँ हो गई पिछली बार बड़ा अच्छा था कि वो कर जा रहा था इस बार वो कर नहीं रहा है समझ गए तो हमें ऐसा करना है सांप भी मर जाए लाठी देना जल्दी हमें ये करना है कि अंडर रूट भी हट जाए और दूसरा अंडर रूट भी ना आए ये दिन आ रहा है मैं क्या करूं अंडर रूट भी हट जाए और नया अंडर रूट भी ना आए ऐसा कुछ छोट कर दूं तो मजा आ जाए कोई सोच सकता है क्या ऐसा कि अंडर रूट भी हट जाए और नया अंडर रूट भी नहीं आए उससे कोई फायदा नहीं होगा देखो वन माइनस एक्स को कुछ रखोगे तो अंडर रूट थोड़ी हटेगा अंडर रूट तो फिर भी हाँ बहुत मुश्किल है सोचना क्योंकि आपको हिंट ही नहीं है क्या रखने वाले हैं तो x स्क्वायर माइनस 9 क्या रखो
सोचो थ्री साइन थीटा रखोगे तो नाइन साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, नाइन बाहर आ जाएगा, थ्री साइन थीटा आ जाएगा, अंडररूट हट गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर ये इस तरह है तो पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब ये बहुत सेफ है कि क्वेश्चन बनेगा हमें बिगड़ गया है, समझ गया ना? सॉल्व कर लेना, लेकिन बिगड़े काम तो नहीं, कम से कम क्योंकि अंडर रूट करते नहीं है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या पुट करूं? बोलो ए टेन थीटा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। दीज आर थ्री स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और ये sin theta by cos theta, cosec theta,
बना yes, और इसका आंसर माइनस लॉग कोसाइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी प्लस सी। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, टेन थीटा हमारा एक्स है, एक्स अपॉन वन। सही है ना, टेन थीटा हमारा एक्स है तो एक्स अपॉन वन ये मतलब अब क्या करें, माइनस लॉग कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, और थीटा कितना है ये हमारा ठीक। क्वेश्चन थ्री क्या कह रहे हैं सर, डी एफ कॉस थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बताओ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। फिलहाल मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो अच्छा ये वाला कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां हम दोनों के लिए इंटीग्रेशन जानते हैं, कॉसेक थीटा क्या बनेगा लेकिन हमने साइन थीटा को एक्स माना, साइन थीटा एक्स माना, साइन थीटा एक्स अपॉन वन परपेंडिकुलर आर हाइपोटेन्यूज, तो माइनस लॉग कोसेक थीटा कितना है वन बाय एक्स, कॉस थीटा कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय प्लस कॉस थीटा कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय। आगे समझ क्वेश्चन को क्या पूछ रहा हूँ मैं, तो डी है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो ये बना सेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस ना, अब sec square theta का integration जो होता tan theta, लेकिन हमने sec theta को x माना, तो sec theta x upon 1 आगे समझे, ये x square minus 1 तो ये क्या बना under root x square minus 1 हम चाहे तो इसको टी जा सकते हैं, एक्स हमारा टी स्क्वायर तो डी एक्स हमारा रूट डी डी है, तो रूट एक्स हमारा टू टी डी अपॉन वन प्लस टी ये बना टू कॉमन लिया टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी डी सॉल्व हो जाता। अगर हम क्या कर रहे प्लस वन माइनस वन, सोचो यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, अब हम से इंटीग्रेट हो जाए प्राइस ऑफ वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी ये टू वन का इंटीग्रेशन टी इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी प्लस सी, लेकिन हमने टी रखा था रूट एक्स तो आंसर आया प्राइस ऑफ रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। पक्का आ गया समझ में, बोला
कहाँ